हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ज्ञान नमन। इस वीडियो में हम सीखेंगे अंडर रूट टू, अंडर रूट थ्री जैसे इरेशनल नंबर्स को कैसे हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। बच्चे, मैं पूरा श्योर हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी। और अगर आपको जानना है कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं तो आप प्लीज़ ये जो आई बटन है इस पर क्लिक करके मेरी वो वाली वीडियो देख सकते हो। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वीडियो पूरी देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए बच्चे, स्टार्ट करते हैं। आपको कोई भी नंबर जैसे अंडर रूट टू, अंडर रूट थ्री, अंडर रूट फाइव, अंडर रूट टेन, ऐसे जो नंबर्स हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स जो हैं, उनको नंबर लाइन के ऊपर शो करने के लिए आपको सबसे पहले तो पाइथागोरस थ्योरम का ज्ञान होना चाहिए। इसकी नॉलेज इस चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। जो क्या होती है, आपको कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल देखनी है, जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल मतलब जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। ट्रायंगल है ए बी सी, उसमें ए बी जो परपेंडिकुलर है, बी सी जो बेस है और ए सी जो हाइपोटेन्यूस है। हाइपोटेन्यूस बच्चे सबसे लंबी वाली साइड होती है। दिस इज़ द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ दिस ट्रायंगल। ये कुछ हो सकती है, ये कुछ हो सकती है, ये सबसे बड़ी हुई होती है हाइपोटेन्यूस। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर का जो रिजल्ट होगा वो बेस के स्क्वायर, इसके स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर के इक्वल होगा। इन दोनों का आप सम करोगे, इनके स्क्वायर्स का सम करोगे और वो जो आंसर आएगा वो इसके स्क्वायर के इक्वल होगा। जैसे कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ओके, या फॉर एग्जाम्पल कह लो, अगर आपको हाइपोटेन्यूस की वैल्यू निकालनी है तो उसकी वैल्यू होगी अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर है, और जब ये स्क्वायर दूसरी साइड में आएगा तो ये अंडर रूट बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। सपोज कि आपको एक ट्रायंगल गिवन है ए बी सी, जिसमें बी जो है वो राइट एंगल है, ए बी की जो वैल्यू है 3 सेंटीमीटर है, बी सी 4 सेंटीमीटर है, और आपको हाइपोटेन्यूस की वैल्यू फाइंड करनी है। आप कैसे करोगे? आप पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करोगे इस ट्रायंगल पे, जो कहती है एच स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस क्या है? 4, उसका स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है? 3, उसका स्क्वायर। 4 स्क्वायर 16, 3 स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25। अब ये एच स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है बच्चे, एच नहीं है। एच क्या होगा? स्क्वायर दो जाके अंडर रूट बन जाएगा। और हमको पता है कि जो 25 का जो अंडर रूट होता है वो क्या होता है? 5। सो एच की वैल्यू कितनी आ गई? 5 सेंटीमीटर्स। दैट्स इट। चलो दूसरी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है ए बी सी, एक ट्राइंगल गिवन है हमारे पास, जहाँ पे बी जो है वो राइट एंगल है, ए बी की साइड 1 सेंटीमीटर है, बी सी भी 1 सेंटीमीटर है। हाइपोटेन्यूस की वैल्यू क्या होगी देखते हैं। एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर, क्योंकि बी एच क्या है 1, परपेंडिकुलर वो भी 1 स्क्वायर क्योंकि वो है 1। 1 स्क्वायर 1, 1 स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। एच स्क्वायर 2 है लेकिन एच क्या होगा? अंडर रूट 2। एच क्या होगा? अंडर रूट 2। इसकी वैल्यू क्या आ गई? अंडर रूट 2। अब इसी एग्जांपल्स को समझने के बाद हम अपनी नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंटेशन को सीखते हैं। सबसे पहले आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है जिसके ऊपर हमने एक जीरो को शो किया है। इसकी राइट साइड में आपको पता है पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं जैसे 1, 2, और नेगेटिव हमने एक जैसे -1 को रिप्रेजेंट किया हुआ है। हमारा काम है अंडर रूट 2 को कैसे इसके ऊपर शो करेंगे। देख, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो इंटीजर्स हैं, जैसे ये वाले जो इंटीजर्स हैं, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो सेम होना चाहिए। जैसे आप कुछ भी 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर कुछ भी कर सकते हो। मैंने आपको अच्छे से शो करने के लिए इसको 5 सेंटीमीटर का गैप देखो, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, जैसे आप 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर ले सकते हो डिस्टेंस, मैंने 5 सेंटीमीटर लिया ताकि आपको अच्छे से शो हो जाए। तो बच्चे, आपको क्या करना है, जैसे हमने यहाँ पे 1 यूनिट्स का डिस्टेंस लिया हुआ है, सिमिलरली हमको यहाँ पे भी 1 यूनिट्स का डिस्टेंस, उतना ही डिस्टेंस हमको यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है जो 90 डिग्री के ऊपर होगी। ओके, आप इसके लिए प्रोटेक्टर का यूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने भी यहाँ पे प्रोटेक्टर का यूज़ किया हुआ है, तो आप 90 डिग्री का एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। जैसे हमने अभी अभी सीखा है कि अगर परपेंडिकुलर भी 1 सेंटीमीटर हो या फिर कह लो कि 1 यूनिट्स हो, बेस भी 1 यूनिट्स हो, तब हाइपोटेन्यूस वैल्यू कितनी आती है? अंडर रूट 2 यूनिट्स आती है। सो अभी ओ से लेके ए तक क्या है, ए हमने जो यहाँ पॉइंट जो शो किया हुआ है, ओ से लेके ए तक क्या है? अंडर रूट 2 यूनिट्स। अब आपको क्या करना है,
आपको कंपास को, आपको कंपास की जो नीडल है उसको ओ के ऊपर रखना है और इसको अंडर रूट टू यहाँ पर ख़त्म होता है, जैसे कि ये ए के ऊपर ख़त्म होता है, ठीक है। तो यहाँ तक जो है वो कंपास को खो लेना है और इसको जैसे एक लाइन सॉरी आर्क ड्रॉ कर देना। ये जो आर्क जहाँ पे नंबर लाइन को इंटरसेक्ट करेगी वो आपका जो पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, अंडर रूट टू आएगा। बस ये बहुत सिंपल था बच्चे। तो चलिए बच्चे देखते हैं अंडर रूट फाइव को कैसे हम नंबर लाइन के ऊपर शो करते हैं। अब ये एग्जांपल देखिए, यहाँ पे हमारे पास फिर एक ट्रायंगल है ए बी सी जो राइट एंगल है बी के ऊपर। यहाँ पे जो बेस है बी सी वो 2 सेंटीमीटर का है या आपका 2 यूनिट्स का है और जो जो परपेंडिकुलर है वो 1 सेंटीमीटर का है या फिर 1 यूनिट्स का है। अब इसमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो वही हम फिर पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4 होता है, 1 स्क्वायर 1 होता है, 4 प्लस 1 5। ये एच स्क्वायर 5 है, एच नहीं है 5, सो एच कितना होगा, स्क्वायर से जाएगा अंडर रूट बन जाएगा, तो एच आएगा अंडर रूट 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर हम ले सकते हैं अंडर रूट 5 यूनिट्स। ओके, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है चलिए वो देखते हैं। आपको फिर एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेनी है जिसके यहाँ पे 0 है और राइट साइड पे पॉजिटिव इंटीजर्स जैसे 1, 2, 3 और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव इंटीजर्स जैसे -1 और -2 है। ये फिर मैंने डिस्टेंस बचे आपको शो करने के लिए, मैंने ये फिर डिस्टेंस मैंने जो लिया है वो आपको शो करने के लिए जैसे 5 यूनिट्स का डिस्टेंस लिया है, या आपके स्केल का जो आपको जो नॉर्मल स्केल होता है उसका 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट है, सो 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। जैसे कि यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का बेस है तो हमको भी यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का बेस कंसिडर करना है 0 से लेकर 2 तक, और फिर प्रोटेक्टर की सहायता से आप यहाँ पे एक प्रोटेक्टर यूज कर सकते हो। इस प्रोटेक्टर को आप 90 डिग्री एंगल के लिए यूज कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ लिया है। और यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है वो 1 सेंटीमीटर का है तो हम भी यहाँ पे 1 सेंटीमीटर यानी कि मेरा जो 1 यूनिट है वो कंसिडर कर लेंगे, वो लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब ये जो यहाँ से लेकर ए तक जो हमारा जो परपेंडिकुलर है वो 1 यूनिट का है और 0 से लेकर 2 तक बेस वो 2 यूनिट्स का है, सो ओ से ए तक ये जो लाइन आएगी वो कितनी आएगी, अंडर रूट 5 सेंटीमीटर, सो जॉइन ओ ए। ये ज्वाइन करने के बाद हमारे पास ये क्या आ गया, अंडर रूट 5 यूनिट्स। सो अभी भी आपको फिर कंपास लेंगे, कंपास के साथ आप ओ के ऊपर नीडल रखेंगे और ए तक इसको ओपन कर लेंगे और ओपन करने के बाद इसको लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये जो आपका जो पॉइंट आएगा ये क्या होगा, अंडर रूट 5 यूनिट्स। दैट्स सो सिंपल। नाउ लेट्स प्रोसीड। बच्चे अब हम सीखेंगे अंडर रूट 3 को नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे आप फिर एक एग्जांपल देखिए, ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है बी के ऊपर जो राइट एंगल है। ए बी की वैल्यू आपको पता है 1 सेंटीमीटर है, बी सी की वैल्यू आपको पता है अंडर रूट 2 सेंटीमीटर है, अंडर रूट 2 सेंटीमीटर है बी सी की वैल्यू। तो ए सी की वैल्यू कितनी आएगी, तो यहाँ पे हम फिर पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। बी क्या है इस बार, अंडर रूट 2 उसका स्क्वायर, पी क्या है 1 उसका स्क्वायर, अंडर रूट 2 का स्क्वायर बेटा 2 ही होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, सो 2 प्लस 1 3 आएगा, सो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 3 एंड एच विल बी इक्वल टू अंडर रूट 3 सेंटीमीटर या फिर अंडर रूट 3 यूनिट्स। ओके, तो अभी हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं चलिए वो देखते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले अंडर रूट 2 को रिप्रेजेंट करना आना चाहिए जो अभी मैंने आपको बताया है, होप आपको समझ आ गई होगी वो कैसे करना है। 1 यूनिट्स इस साइड, 1 यूनिट्स इस साइड, और ये जो आपका जो ओ ए बनेगा वो कितना बनेगा, अंडर रूट 2 यूनिट्स का बनेगा। अब आप इसको बेस मानो, थोड़ा स्टेप को आगे बढ़ते हैं, अब आप इसको बेस मानो, ओ ए को ही बेस मानो और यहाँ पे प्रोटेक्टर के साथ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो यहाँ पे,
प्रोटेक्टर के साथ आप यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए। वन मिनट का, तो मेरा यहाँ पे वन मिनट है वो फोर मिनट का है, फोर सेंटीमीटर का है थोड़ी सॉरी। सो अभी मैंने यहाँ पे अंडर रूट टू जो था वो मेरा बेस है और वन सेंटीमीटर का मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पे आप इसको कह सकते हो ए बी कह सकते हो। तो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, तो ये क्या होगी अपनी हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। सो दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3 यूनिट्स। अब आपको वैसे ही कंपास को ओपन करना है और यहां जीरो से लेकर के बी तक आप इसको ओपन कर लीजिए और यहां पे एक आर्क ड्रॉ कर लीजिए। ये जो आर्क यहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन को इंटरसेक्ट करेगी वो आपका होगा अंडर रूट 3। सो आई होप आपको समझ आ गई है। मुझे आपको बोलेगी मुझे अंडर रूट 10 को नंबर एन के ऊपर शो करके दिखाओ, तो कैसे करेंगे? जैसे 10 का मतलब क्या होगा, ये वाला मेरा चाहिए 3, ये चाहिए 1, सो 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज 9 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 10, तो h कितना आएगा अंडर रूट 10 आएगा। कोई बोलेगी 17 को करके दिखाओ, वो कैसे करेंगे? ये 4 ये 1, 4 स्क्वायर 1 स्क्वायर 16 प्लस 1 17, तो h कितना आएगा अंडर रूट 17। या फिर कह सकते हो 2 प्लस 2 अंडर रूट 8 कैसे करेंगे, ये भी 2 हो ये भी 2 हो, सो 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 4 प्लस 4 अंडर रूट 8। सो सारे के सारे आपको ऐसे ही करने होंगे, आपको सिर्फ पाइथागोरस से उनको अच्छे से अप्लाई करना आना चाहिए, बाकी इसमें कुछ भी नहीं। बच्चे अगर आपको लगता है कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको ऐसे ही मैथ्स के कंसेप्ट क्लियर होते रहें। प्लीज़ बच्चे बाकी की वीडियोस भी देख लेना जिसमें मैंने नंबर सिस्टम के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, और तब तक के लिए आप इसकी रिविज़न कर लेना। अब आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखना, बाय बाय, कीप लर्निंग।